हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड यहां पर हम शेयर करेंगे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस हैदराबाद से। बहुत से लोगों ने ये डिमांड किया था कि कर्नाटका से कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, बट अभी तक किसी ने भी कर्नाटका से इंटरव्यू एक्सपीरियंस इतना शेयर नहीं किया है। तो और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी वेबसाइट पर मुझे नहीं मिल रहा है, एल्स मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देता। ये हैदराबाद का जो इंटरव्यू है, ये भी किसी ने शेयर नहीं किया है मेरे साथ। ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये किसी और डिफरेंट पोर्टल से, वेबसाइट से देख कर। एंड वो वेबसाइट है आपकी बैंकर्स अड्डा की, जहाँ से मैंने ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया है। चलिए देखते हैं कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। ये है इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिस्टर कार्तिक का। नेक्स्ट इनसे, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एज यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर विद 78%, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कोर साइड। ठीक है, एक्चुअली जो इनका फील्ड है उसके बारे में पूछा गया कि आप उस फील्ड में क्यों नहीं ट्राई किए। तो अगेन मैंने आपको बताया कि आपने नहीं ट्राई किया, आप बैंक में आना चाह रहे हैं तो क्यों आना चाह रहे हैं। बहुत बार मैंने क्वेश्चन आंसर आपको एलेबरेट कर दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोज देखिए, मैंने वहां पर कवर किया है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डेवलप योर ब्रांच एज ए पीओ, एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर आप अपनी ब्रांच को कैसे डेवलप करेंगे। देखिए, आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पर अच्छा बहुत जगह गलत दिया हुआ है कि आप पहले प्रोबेशन पर होते हैं, फिर 2 साल बाद आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट किए जाते हैं, कहीं कहीं पर ये दिया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी जो पोस्टिंग होगी 6-7-8 दिन की ट्रेनिंग होगी, मैक्सिमम 10 दिन की, चलिए मान लीजिए ट्रेनिंग होगी, और मे भी ट्रेनिंग ना भी हो। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ट्रेनिंग नहीं हुई थी, ट्रेनिंग बहुत बाद में हुई थी। तो ना हो, आप फर्स्ट डे से ही एज ए असिस्टेंट मैनेजर वहां पर ज्वाइन करेंगे आप। और आप ब्रांच को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप कस्टमर बोल सकते हैं, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सकते हैं, कस्टमर का काम जो है वो तुरंत करके पूरा कर सकते हैं आप। कस्टमर का काम टालिए नहीं, आप जब बैंक में जाएंगे देखेंगे बहुत से लोग कस्टमर के काम को टालते हैं, काम नहीं करते हैं, आज नहीं कल आना। तो आप उस तरह से हेल्प कर सकते हैं कस्टमर को, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताकर कस्टमर की भी हेल्प कर सकते हैं और एक रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, वो भी आपकी बैंक की जो ब्रांच बनाने में हेल्प करेगा। जो लोन वर्क है वो आप उसको फास्ट कर सकते हैं, आप लोन का काम भी असिस्टेंट मैनेजर का होता है। एक्चुअली जो लोन सैंक्शन अथॉरिटी होती है वो आपकी ब्रांच मैनेजर ही होती है, बट फिर भी आप प्री सैंक्शन रिपोर्ट लोन में लगाते हैं, आप फील्ड विजिट करते हैं, आप देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपका कस्टमर देके जा रहा है वो सही है कि नहीं है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती है। तो ट्रांसपेरेंसी ला करके, कस्टमर की हेल्प करके कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट आप दे सकते हैं। एंड बहुत आप कोई भी करप्शन को वहां से हटाकर भी कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, ये सब चीजें ब्रांच को भी अच्छा करेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई थिंक कल या परसों ही मैंने सेल्फ हेल्प के बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो दिया है, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ SHG, ये भी उसमें मैंने क्लियर किया है। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन दैट ग्रुप फॉर्मड बाय वुमेन ओनली, ये भी मैंने कवर किया है कि मैन वुमेन दोनों ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं, कोई अकेला नहीं है ऐसा कि सिर्फ वुमेन ही फॉर्म कर सकती हैं। व्हाट इज SERP, तो उन्होंने बताया कि माय फादर वर्क इन SERP डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड। ओके, तो एक्चुअली इनके जो पिताजी थे, पापा थे, वो SERP डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके फादर या आप कभी किसी डिपार्टमेंट में काम करें हो तो उसके बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर मुझे क्या, व्हाट इज मीन्ट बाई थ्रिफ्ट, ये इनको पता नहीं था। एक्चुअली ये इंटरफेस लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरफेस को डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज है, तो ये रिलेटेड है कंप्यूटर के फील्ड से। एक्चुअली ये इंजीनियर है, ठीक है, तो ये इंटरफेस लैंग्वेज है थ्रिफ्ट, इसके बारे में भी आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप MCA हैं या MTech हैं तो आप ये चीज जो है पता कर सकते हैं गूगल से, तो इसके बारे में डिटेल में जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। Asked about my family and my BTEC, ठीक है, इनकी फैमिली और इनके BTEC की डिटेल के बारे में पूछा गया। देन डू यू हैव एनी फर्दर प्लानिंग फॉर स्टडीज, उन्होंने आंसर किया कि इनकी फिलहाल कोई भी फ्यूचर प्लानिंग पढ़ाई को लेकर नहीं है। ये डिपार्टमेंट के एग्जाम देंगे एंड JIIB ये जो है वो उसका एग्जाम देंगे। एक्चुअली ये JIIB नहीं होता है, ये उन्होंने शायद गलत मिस्टेक्स बाई मिस्टेक लिख दिया, ये JAIIB होता है, फिर CAIIB होता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, होता यह है कि जब आप बैंक ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो आप JAIIB देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, और आपका उसमें रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है, आपने एग्जाम दिया सबमिट किया तुरंत रिजल्ट आ जाता है, साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में या नवंबर में, ठीक है। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद होता यह है, आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, ठीक है, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है आपका। हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, मान लीजिए 1000 रुपए का एवरेज, वैसे 900 और 1100 अलग अलग है, ठीक है, पहले कितने लगेंगे बाद कितने लगेंगे। तो आपको समझ लीजिए, जिस साल आप GIB क्लियर करेंगे उस साल आपके 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, एक 1000 के 2 इंक्रीमेंट, फिर उस पर DA लगेगा,
बहुत चीजें लेंगी तो वो काफी फर्क पड़ जाता है टोटल सैलरी पर, लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए का सैलरी फर्क पड़ जाता है अगर आप JAI भी क्लियर कर लेते हैं और CAI भी क्लियर कर लेते हैं तो एक इंक्रीमेंट आपका और लग जाता है। तो अगर दोनों आप क्लियर कर लेते हैं तो सैलरी आपकी बाकियों से जो क्लियर नहीं किए हैं आपके साथ के लोग उनसे लगभग 5-6 हजार रुपये सैलरी एक्स्ट्रा हो जाती है अगर आप JAI भी CAI भी दोनों क्लियर कर लेते हैं। और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने JAI भी क्लियर कर लिया तो आपको प्रमोशन में 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। सपोज आपके वहाँ नॉर्मल टाइम है 5 साल, कि 5 साल में आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो आपने JAI भी क्लियर कर लिया तो आप 4 साल में एलिजिबल हो जाएंगे, आपने CAI भी क्लियर कर लिया तो आप 3 साल में ही एलिजिबल हो जाएंगे, ये एक एक साल का रिलैक्स मिलता है। ठीक है, क्लरिकल के केस में JAI भी से आपको 2 साल का रिलैक्स मिलता है, CAI भी से 1 साल का रिलैक्स मिलता है, तो ये होता है क्लरिकल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेल मी एटलीस्ट 4 रीजन व्हाई वी शुड हायर ओनली यू बिकॉज अदर्स टू आर वेटिंग आउटसाइड, हाउ कैन यू जस्टिफाई योरसेल्फ दैट ओनली यू विल बी सिलेक्टेड। ये परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, परसों की वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने क्लियर किया हुआ है। हर वीडियो में एक ही चीज में क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बड़ा मोनोटोनस हो जाता है और बहुत लोगों ने ईमेल किया कि आप एक ही वीडियो में चीजें रिपीट मत करिए, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो मैंने परसों डाला है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल क्वेश्चन, लाइक एज्यूम दैट यू आर ए पीओ इन योर बैंक, द क्लर्क ऑलवेज स्क्रीम्स एट पीपल, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल देम। तो आप एक्चुअली ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप वहां पर आंसर कैसे कर रहे हैं, कि आप पीओ हैं, आप एक क्लर्क से सुपीरियर हैं। तो देखिए आप हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में, आप एक बार सिलेक्ट होने के बाद एक क्लर्क किसी कस्टमर पर चिल्ला रहा है, स्क्रीम कर रहा है, तो आपको उसको पोलाइटली हैंडल करना होगा। पहले तो आप कस्टमर को अपने पास बुला लीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, उसकी प्रॉब्लम को आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि वो क्लर्क से एक चिल्ला रहा है, तो डेफिनेटली आपके लेवल की तो आप तो इजिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर वो क्लर्क वो काम कर सकता है, नहीं कर रहा है, या मे बी कस्टमर की ही गलती हो, तो भी आप कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आप कभी भी जो स्टाफ है उसका ना, अपने स्टाफ को कस्टमर के सामने कुछ मत बोलिए, ठीक है, एल्स कस्टमर क्या करता है, नेक्स्ट टाइम से वो एडवांटेज लेगा इस बात का, वो जानता है कि ये इनको डांट देंगे, ये इनके साथ ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो कस्टमर के सामने कभी मत बोलिए और अपने स्टाफ को कभी भी बदतमीजी से आप उनसे बात मत करिए, भले ही एक बार को स्टाफ जो है, जो आपका कलीग्स हैं आपके या जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जैसे क्लर्कल स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बदतमीजी से भी बात करने से या उनको डरा के धमका के कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक चीज वो जानते हैं अगर प्रोबेशन पे नहीं है कि उनकी जॉब जो है वो जा नहीं सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका, ये उनके जो पुराना खासतौर से स्टाफ है, जो बदतमीज स्टाफ है, दो चार, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा स्टाफ है, बट हाँ आपको 2-4% स्टाफ हर बैंक में ऐसा मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है, तो आप उसको पोलाइटली समझाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करिए कि आप कस्टमर की हेल्प के लिए यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो बाहर जॉब का वेट कर रहे हैं और भी वो आपसे अच्छा सर्व कर सकते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर हैं, आपको इतनी सैलरी मिल रही है, तो आप उसका लाभ उठाइए और कस्टमर की हेल्प जो आपका काम है वो करिए, तो इस तरह से आप कन्विंस कर सकते हैं। तो ये है इंटरव्यू एक्सपीरियंस तेलंगाना से, होपफुली आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद नहीं भी आया है तो डिसलाइक का बटन तो है ही, होपफुली आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।